मछली जो है ना, कुदरत का एक बहुत ही नायाब क्रिएशन है, एक अमेजिंग जीव, बहुत पावरफुल, क्या स्ट्रीमलाइन बॉडी। जब आप नदी में या समुंदर में या लेक में देखोगे तो क्या फटाफट मूवमेंट, अमेजिंग। पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेगा, घंटों तक पानी के अंदर रह सकता है, मतलब जिंदगी भर पानी में रहता है। एंड स्टिल एक्वेरियम में जब लेके आके डालते हैं तो बीमार पड़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम मछली का है या प्रॉब्लम एक्वेरियम का, सोचो तो सही, बोलो तो सही। हर एक बिगिनर के जिंदगी में एक प्रॉब्लम आता है, मछली लेके आएंगे, दूसरे दिन में मछली सीधा जाके बॉटम पे बैठेगा एंड बिगिनर फुल टेंशन, मेरा मछली नीचे बैठा है एंड पता नहीं, मेरे को मैसेज आता है। मेरे अगर कमेंट सेक्शन में देखा जाए तो 20-30% मैसेज यही होगा, सर मैं फिश इज सिटिंग इन द बॉटम, क्या करूं, व्हाट टू डू। भाई जो करना था आपने किया नहीं, अब व्हाट टू डू से मतलब, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू। ओके, तो ये वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फिश नीचे जाके क्यों बैठता है, आप अपने टैंक में क्या गलतियां करते हो एंड उसका सल्यूशन क्या है, ये चीजें बताएंगे। आखिरी तक देखो तब जाके सल्यूशंस पता चलेगा, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम्स मत सुनना, फायदे का नहीं है, प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी है आपके पास। एंड ऑल्सो ये वीडियो हर फिश पे लागू है, हर एक फिश पे लागू है। मैसेज मत करना कि सर गोल्ड फिश के लिए है क्या, इसके लिए है क्या, उसके लिए, सब फिश के लिए लागू। नाउ पहला चीज, मछली घर में लाने से पहले टैंक लेके आओ, टैंक को साइकिल करो। साइकिल का मतलब बैक्टीरिया जनरेट करो, मतलब एक अच्छा फिल्टर, अच्छा टैंक, पानी डालो उसको साइकिल करो। जब तक वो टैंक साइकिल ना हो और नाइट्रेट जीरो ना हो, आप मछली मत लाओ, मतलब हफ्ते से 10 दिन। अच्छा बैक्टीरिया यूज करो, साइकिल हो जाएगा फटाफट, देन मछली लेके आओ। सो मछली नीचे क्यों बैठता है टैंक में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चलो सुनो। पहला है, हो सकता है कि आपने बीमार मछली लेके आए हो या लेके आने के बाद एक हफ्ते बाद वो नीचे बैठ रहा है, तो मतलब बीमार है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिश एक महीना दो महीने बाद हो रहा है तो हो सकता है कि सडन टेम्परेचर चेंज हुआ हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या आपने जो वाटर चेंज किया तब टेम्परेचर चेंज हुआ हो, या पीएच फ्लक्चुएट हुआ हो। और दूसरी बात, आपने एक कम्युनिटी टैंक में डाला और दूसरे मछली इसको बुली कर रहे हैं या मार रहे हैं। ओके, या उसको बॉडी पे कुछ लगा है या उसको कोई तकलीफ है, सिंपल थिंग, पेट में दर्द, तकलीफ, जाके साइड में बैठेगा, नीचे बैठेगा, ओवरऑल बीमार है, कोई ना कोई बीमारी है। एंड ऑल्सो बिकॉज आपने अपने टैंक में पावर हेड फिल्टर डाला है, पावर हेड फिल्टर ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है। और मैं हमेशा मजाक करता हूं कि पावर हेड डाल के आप मछली को पानी में डुबो रहे हो तो वो फोर्स वो ले नहीं सकता, तो थक के वो हार के जाके नीचे बैठ जाता है कि भाई छोड़ो यार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे। हो सकता है कि आप खाना ज्यादा डाल रहे हो, बहुत ज्यादा डाल रहे हो जो मछली को जरूरत नहीं, सो वेस्ट खाना टैंक में रह रहा है, आप क्लीन नहीं कर रहे हो, साफ नहीं कर रहे हो एंड नाइट्रेट बढ़ रहा है या अमोनिया बढ़ रहा है, ठीक है। सो दैट्स अनदर इश्यू। सो बेसिक्स समझो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर मछली नीचे जाके बैठा है तो
बीमार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं, सर मेरे को शॉप वाले ने ब्लू मेडिसिन, येलो मेडिसिन, ब्राउन मेडिसिन, पिंक मेडिसिन सब डाल दो। नहीं, पहले बीमारी समझो, फिर मेडिकेशन डाल। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। बिना बीमारी को जाने मेडिकेशन मत दो। समझो, आपका सबका फैमिली डॉक्टर होगा, और अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास कि भाई मेरे को बुखार है, वो सर दर्द का, पेट दर्द का, पैर दर्द का, फिर खांसी का, हाजमे का, सब दवाई देता है आपको, आप ठीक होगे, बीमारी ज्यादा बढ़ेगा। तो बीमारी पहले समझो, नीचे जाके बैठा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखो, पानी चेक करो, टेम्परेचर चेक करो, नाइट्रेट लेवल या अमोनिया लेवल चेक करो, पीएच चेक करो, ठीक है, वाटर चेंज करो। हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो फर्स्ट वाटर चेंज करो, 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसमें। मछली को मार लगा है क्या, मछली को ऑब्जर्व करो, कोई दूसरा फिश उसको मार रहा है क्या, ये सब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो समझोगे, तो समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। मैंने आप लोगों के लिए एक जीरो कॉस्ट मेडिसिन का एक वीडियो बनाया है, जो खर्चा ही नहीं है, आपको सही मायने में यूज करना है। किसी ने मेरे को मैसेज किया था, सर मैं रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट दोनों डाल दूं क्या? भाई कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। आई मीन कभी कभी लगता है कि वो सोच कहां से आता है। सिंपल कॉमन सेंस, टू कॉन्ट्रास्टिंग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग यूज के लिए है, एक पेट साफ करने के लिए है, ठीक है, एंड दूसरा जनरल बॉडी हेल्थ के लिए है, मिक्स नहीं होता है, ये केमिकल्स है, इश्यू ज्यादा होगा। एंड आप लोगों को लगता है 2-3 रुपए देके, हाँ मैंने मेट्रोजिल डाला, टेट्रासाइक्लिन डाला, क्यों डाला, उसका कोई रीजन है? नहीं है। तो बॉस प्रॉब्लम्स मैंने समझाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जर्व करो मछली को, अगर नीचे जाके बैठता है तो वॉच, क्या क्या हो रहा है उसका सिचुएशन, एनवायरमेंट क्या प्रॉब्लम है। 99.9% प्रॉब्लम आपके एक्वेरियम में है, मछली में नहीं, तो वो फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, आपका सॉल्यूशंस मिलता जाएगा। नाउ सॉल्यूशंस, सिंपल बेसिक सॉल्यूशंस, अगर नया मछली लेके आते हो, साइकिल्ड है क्या टैंक, टैंक में अमोनिया जीरो है क्या, क्लोरीन जीरो है क्या, चेक करो, फिर नया मछली लेके आओ। नया मछली लाते ही पैकेट से लेके ढबार करके अंदर मत डालो, एक्लेमेटाइज करो, पानी का टेम्परेचर मैच करो, फिर सिर्फ मछली को टैंक में डालो। दुकान का पानी नहीं चाहिए हमें, दुकान का पानी आपके गार्डन में जाके डालो, अच्छा है पौधों के लिए, लेकिन फिश के लिए अच्छा नहीं। ओके, देन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैंक है और आप एक और मछली लेके आ रहे हो, अगेन एक्लेमेटाइज द फिश, एंड अगेन दुकान का पानी नहीं चाहिए, बिकॉज आप वो दुकान का पानी में कुछ कीड़े मकोड़े होंगे जो आपके एग्जिस्टिंग फिश को मार देगा। कितना बार ऐसा हुआ, आप नया फिश लेके आते हो, सब मछली मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो अगर आपको फिश को बीमारी से बचाना है तो ये बेसिक है, ये पहला दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर हमेशा चेक करो। अगर आप वाटर चेंज कर रहे हो तो आप जो पानी डाल रहे हो और जो आपका टैंक का पानी है वो सेम टेम्परेचर होना चाहिए। भाई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यार ये, बिकॉज हर किसी के घर में थर्मामीटर होता ही है, जिस पानी में डालो चेक करो, वो फारेनहाइट में हो, सेल्सियस में हो, सेम होना चाहिए बस। सी बिकॉज क्या होता है, नल का पानी में गर्मियों में थोड़ा गर्म आता है, सर्दियों में थोड़ा ठंडा आता है, टैंक का पानी टेम्परेचर अलग होगा, 2 सेकंड का बात है। अरे भगवान ने हमें ये एक हाथ दिया है,
और अगर हम पानी में ऐसा रखते हैं तो 90% पता चल जाता है कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। इतना तो करो। सो टेम्परेचर चेक करो, बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पानी अगर मिल्की है तो मत चेंज करो, पानी थोड़ा गर्म है तो रुक जाओ, पानी बहुत ठंडा है तो अगेन रुको, वेट करो, रूम में रख दो बकेट, टेम्परेचर मैच हो जाएगा, फिर बाद में चेंज करो, जल्दी मत करो। एंड हां, फॉर गॉड सेक, पूरा टैंक का मछली निकाल के एक बकेट में डाल के टैंक को घिस के, ओके, जरूरत नहीं है, वो जमाना गया। एक सिंपल साइफन पाइप यूज करो। संडे संडे में क्लीनिंग का वीडियोस डाल रहा हूं अभी, देखो। ओके, सिंपल पॉइंट्स है ये सब। नाउ मैं आपको लेके जाके एक ऐसे कमरे में डालने वाला हूं जहां पे सुबह से दोपहर तक 20 डिग्री है, ठंडा है, दोपहर से शाम तक गर्म है, पसीना आएगा, अगले दिन सेम, अगले दिन सेम, अगले दिन सेम, बीमार नहीं पड़ोगे। मछली का सेम है, अगर फ्लक्चुएट हो रहा है पानी, फ्लक्चुएट हो रहा है पैरामीटर्स, पागल हो जाएगा, तो बीमार पड़ेगा ही। ये नेचुरल है। सी, फिश रखना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा लगता है कॉमन सेंस, हमें जो हो सकता है उनको भी हो सकता है, सिंपल बात है। अब लो क्वालिटी खाना खिलाओगे तो बीमार पड़ेगा ना, उसमें क्या है खाने में, अगर आप पौष्टिक खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे। सिंपल थिंग, गुड फूड, गुड एनवायरमेंट, करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट वाटर पैरामीटर्स, एंड इंपॉर्टेंट, अगर फिश बीमार हो जाता है तो उसको निकालो, अलग से टैंक में डालो, क्वारंटाइन करो। और सिंपल बेसिक बताता हूं, रॉक सॉल्ट एंड हीट, मतलब हीटर लगाओ, अगर ये दो चीज है तो कोई भी, ओके, 70% कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है, बेसिक बीमारी ठीक हो सकता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मच्छी खाना खाएगा, ऑटोमेटिक ठीक होगा, एंड उसके लिए खाना अच्छा चाहिए। एंड हां, बहुत लोग मैसेज करते हैं, माई टू फिश आर फाइटिंग, वॉट टू डू, बस दो लोग झगड़ रहे हैं, क्या करोगे, सेपरेट करोगे, बस टैंक में डिवाइडर डालो, अगर दो टैंक नहीं है, अगर दूसरा टैंक है तो दूसरे टैंक में डालो, सेपरेट करो उनको, झगड़ा खत्म, प्रॉब्लम खत्म, करेक्ट। आई थिंक ये वीडियो ना थोड़ा मैं भी एक्साइट हो गया हूं, बिकॉज मेरे को बुरा लगता है जब ये क्वेश्चन आता है, कमेंट्स आता है कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों करूं, क्या करूं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं यार, बेसिक्स है, ये बेसिक साइंस हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग घर में फेस करते हैं। हमारे घर में कोई बीमार है तो हम लोग क्या दुनिया भर का दवाई देते हैं, नहीं, जो बीमारी है उस बीमारी के लिए दवा देते हैं, किसी ने बोला डाल दो, डाल दिया, सोचेंगे नहीं, कमान यार। नाउ मैंने आपको प्रॉब्लम समझाया, अगर फिश नीचे बैठता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने समझाया आपको, मैंने ये भी समझाया सोल्यूशन कि अगर वो नीचे बैठा है तो बीमार है और क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप सीरियस हो हॉबी में तो देन आप फॉलो करोगे एंड इसका फायदा भी उठाओगे, और फायदा उठाने के लिए ये टॉपिक पे पूजा मैडम आप लोगों के लिए फिश क्योर पे वीडियोस बना रही है, अलग अलग डिजीजेस पे हाउ टू क्योर करके वो वीडियो बना रही है, उसमें डिटेल्स बहुत है। एंड हमने हाल ही में एक और सीरीज लॉन्च किया है, साइंस इट विद डॉक्टर सुबिन मैथ्यूज करके, जहां पे आप सीरियस हॉबीस्ट जो है, पीएच, जीएच, टीडीएस, वाटर पैरामीटर्स, लाइटिंग पैरामीटर्स, केमिस्ट्री, ये सब आप डिटेल में सीख सकोगे या टेक्निकली सीख सकोगे। ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, सो सीखते सीखते आप वो लेवल पे आ सकते हो। नाउ डॉक्टर सुबिन मैथ्यूज के साथ वो वीडियो पूरा इंग्लिश में है ताकि लार्जर ऑडियंस उसे समझ सके, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हिंदी सबटाइटल्स हो, अगर हुआ तो ग्रेट, बट आप जरूर एंजॉय करो एंड सीखो। तो एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आप अपने फिश को
बीमारी से बचाओगे. ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमारी होने से रोक दो तो और आसान. अगर आपका एनवायरमेंट सही है तो फिश बीमार नहीं पड़ेगा. बीमार नहीं पड़ेगा तो टेंशन ही नहीं, राइट? सो आशा करता हूं कि आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, एंड आप फिश को अच्छा खुश रखोगे, हेल्थी रखोगे, हैप्पी रखोगे. एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. अगर हम कोई जीव अपने घर में लाते हैं तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसके अच्छे से देखभाल करें. टाइम पास के लिए मत करो. ओके, अगर आप अच्छे से नहीं रख सकते तो आपको रखने का हक नहीं बनता. आप तभी लेके आओ जब आप अच्छे से रख सकते, तब जाके आप भी खुश रहोगे और वो जीव, फिश हो या डॉग हो, कैट हो, जो भी हो, पेट, वो भी खुश रहेगा, आपको दुआएं देगा. ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय.